सीक्रेट है, अगर खुदा तुझे कोई भी गवाही दे तो उसे लोगों को दो, 5 को दो, 10 को दो, अपनी जेठानी को कॉल करो, अपनी बहन को कॉल करो, अपने फादर को कॉल करो, अपने दोस्त को कॉल करो, अपने मसीह दोस्तों को कॉल करो, चर्च में बताओ, मीटिंग खत्म हुई बताओ 4 जनों को खुदा ने मुझे ब्लेस किया, खुदा का धन्यवाद हो, चर्च में खड़े होके गवाही दो। जब आपकी लाइफ में कुछ आश्चर्य कर्म हो उसके बाद आपको स्तुति करनी चाहिए। अगर आपने नहीं की भूल जाओ कि आपकी लाइफ में अगला आश्चर्यकर्म होगा। तुम देखोगे जब तूने खुदा ने तेरी लाइफ में काम किया, इस्राएलियों के लिए समुद्र 2 भाग कर दिया गया, मूसा ने उसे याद करके खुदा तू महाप्रतापी है, कैसे तूने घोड़ों को रथों को समुद्र में डुबो दिया, तू अद्भुत है, हालेलुया। जब खुदा तेरी लाइफ में काम करे इतनी कर्ज कर्ज के मेहमा दो, कईयों को बताओ, चर्च में थोड़ी सी भी ग्रोथ हुई है बताओ, पास्टर को बताओ, चर्च को बताओ, अपने अगुए को मैसेज करो मेरी ग्रोथ हुई है। अगर खुदा ने तेरी लाइफ में काम किया है जाके गवाही दो, जितनों को दे सकते हो गवाही दो। आज एक नशा छोड़ दिया है, गवाही दो जितनों को नशा छोड़ के गवाही दे सकते हो। कल तेरा वीजा लगने वाला है, तेरी मैरिज होने वाली है, तेरी रिपोर्ट नॉर्मल होने वाली, काले पीलिया की टेस्टमनी दो, खुदा की धन्यवाद करो, तो खुदा आगे तुझे फिर ब्लेस करने वाला है। लोगों की आशीष रुक जाती है जब परमेश्वर ने उन महीने में उनके जिनमें 5 काम किए पर उन्होंने एक ही गवाही दी, परमेश्वर उनकी प्रेयर को बढ़ाया, उनको रोजे रखने की ग्रेस दी, प्रभु ने उन्हें बीज बोया, प्रभु ने ईश्वर ने मददगार दिए, पर उसने केवल चंगाई की गवाही दी, उसने केवल यहां पर खड़े होकर गवाही दी, अपने रिश्तेदार को नहीं दी, अपनी शॉप में काम करने वालों को नहीं दी, बस में बैठने वाले पार्टनर को नहीं दी, साथ मसीह भाई को नहीं दी, इतना ही किया उसने। उसने कहा जैसे जितना तू मेरे साथ है उतना मैं तेरे साथ हूं, जितना तू मुझे प्रेम करेगा उतना मैं तुझ पे प्रेम प्रकट करूंगा, हालेलुया। तो तुम गवाही दो, क्योंकि जब लोग अगली उस गवाही को नहीं देते प्रभु आगे उन्हें कम दे पाता है। अगर आज प्रभु ने उसे 5 सिक्के का काम दिया है, अगर उसने 5 सिक्के को यूज नहीं किया, उसे उपयोग नहीं किया, कम किया उसमें, प्रभु आगे को उसको 5 नहीं देगा, उसको 2 देगा या उसको 1 देगा, हालेलुया। आज पास्टर्स की चर्च में चमत्कार शुरू होते हैं कि आज किसी का बैक पेन ठीक हो गया, आज किसी का सिर दर्द ठीक हो गया, और वो अरे प्रभु बड़े चमत्कार कदों हो गए। आपको क्या करना चाहिए? प्रभु आज आपका धन्यवाद, आज 30 लोग आते थे, आज 32 लोग थे चर्च में, प्रभु प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु जी आपका धन्यवाद। टीम में 5 मेंबर थे, आज 7 मेंबर हो चुके, खुदावन धन्यवाद। आज ऑफरिंग बोने वालों ने बहुत ऑफरिंग बोई, खुदावन तेरी चर्च की जरूरतें पूरी होंगी, खुदावन धन्यवाद। आज किसी का सिर दर्द ठीक हुआ, किसी का बुखार ठीक हुआ, उस माँ का बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल आई, खुदावन धन्यवाद। प्रभु अगले संडे और अद्भुत काम वो करेगा तेरे जीवन में। आज नए लोग चर्च में आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, पर आपको पता श्योर है अगर 10 कोड़ी में से 9 चले गए थे तो आज भी होता है। अगर चर्च में 30 लोगों ने गवाही दी, 90 लोग चंगे हुए उस मीटिंग में, ऑनलाइन और चर्च, पर बाकी 60 लोग कहाँ हैं? अजी पूरी तरह चेक करके दमांगे, 10 महीने हो गए, 6 महीने हो गए नहीं देती, 7 महीने जब ब्याह हो गया, 8वें महीने जब बाहर चल गई, गवाही कहाँ रह गई? हाँ सीरियस नहीं है लोग, खुदा की महिमा के लिए लोग ऐसे हैं, इसलिए लोग ब्लेस नहीं है मसीह लोग। अगर खुदा की लोग स्तुति करें जो स्तुति केवल उसी के योग्य हैं, तो अपने लोगों को खुदा ऊंचा करके साबित करेगा। लोग टेस्टमनी नहीं देते, दबा रखते अपनी गवाही को, शर्माते हैं। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, शर्माते हो? नहीं शर्माते ना, सारा चेकअप करवाना पड़ता है, चाहे लेडी डॉक्टर हो जेंट्स डॉक्टर हो। जो स्तुति महिमा उसके योग्य है उसको दो, वो तुझको शू के बदल के रख देगा, हालेलुया।